नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबिता। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर आज नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होने वाली है। तो आज लखनऊ में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होगी, तो सीएम आवास पर शाम 6:30 बजे ये बैठक होने वाली है। तो नीति आयोग की हुई बैठक के संबंध में चर्चा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ प्रस्तावित यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी वार्तालाप करेंगे। तो सीएम आवास पर शाम 7 बजे प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया जाएगा। तो प्रस्तावित नीति एवं कार्बन फाइनेंसिंग से कृषकों की आय बढ़ाए जाने के लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आज नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होगी। तो सीएम आवास पर शाम 6:30 बजे ये बैठक होने वाली है। तो नीति आयोग की हुई बैठक के संबंध में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावित यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी बात की जाएगी। तो सीएम आवास पर शाम 7 बजे प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया जाएगा। तो प्रस्तावित नीति एवं कार्बन फाइनेंसिंग से कृषकों की आय बढ़ेगी। सीएम आवास पर शाम 6:30 बजे बैठक होने वाली है शासी परिषद की। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज नीति आयोग शासी परिषद की बैठक है। जी बिल्कुल, आपको बता दें शाम 6:30 बजे नीति आयोग शासी परिषद की बैठक है, उसके बाद फिर 7वीं बैठक के जो संबंध में चर्चा करेंगे सीएम योगी। तो आज काफी महत्वपूर्ण बैठकों का होगी आज सीएम के आवास पर। 5 कालिदास पर 6:30 बजे सीएम करेंगे चर्चा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है बबिता, आपको बता दें कि जो प्रस्तावित है यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार काफी तैयारियां कर रही है। इसके पहले भी एक सेमिनार हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी वर्ल्ड बैंक भी इसमें आप कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जी तो सिद्धार्थ, नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में क्या कुछ खास? देखिए आपको बता दें, जो नीति आयोग की शासी परिषद की जो बैठक है, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है आज। तो आज लखनऊ में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होने वाली है। तो सीएम आवास पर शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। तो नीति आयोग की हुई बैठक के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें नीति आयोग की हुई बैठक के संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावित यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम आवास पर शाम 7 बजे प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया जाएगा। तो प्रस्तावित नीति एवं कार्बन फाइनेंसिंग से कृषकों की आय किस तरह बढ़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आज नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। तो 6:30 बजे ये बैठक होगी सीएम आवास पर। तो नीति आयोग की बैठक में जो कुछ भी बातचीत हुई उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो प्रस्तावित यूपी क्लीन एयर को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। तो सीएम आवास पर शाम 7 बजे प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया जाएगा। तो प्रस्तावित नीति एवं कार्बन फाइनेंसिंग से कृषकों की आय किस तरह बढ़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं नोएडा में महिला से अभद्रता करने के मामला, अब सीएम योगी ने गृह विभाग से तलब की है रिपोर्ट। तो अब ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है और सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट तलब करने को कहा है। तो दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्रभारी निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को इसमें निलंबित भी किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के पास तक। नोएडा में महिला से हुई अभद्रता का मामला पहुंच गया है। तो सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट तलब करने को कहा है। तो वही दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के साथ ही प्रभारी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को इस मामले में निलंबित किया गया है।
और नोएडा मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हो गए हैं। उन्होंने गृह विभाग से इसकी रिपोर्ट तलब करने को कहा है, तो वहीं दोषी अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। यानी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को इसमें निलंबित कर दिया गया है। तो खुद को भाजपा का नेता कहने वाला श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 48 घंटों का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज मिला है एक, और बहस उत्तराखंड में उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। तो वहीं ये मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है और सीएम योगी ने गृह विभाग से इसकी रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। तो वहीं दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, नोएडा का ये मामला, जो नोएडा में महिला से अभद्रता की गई, तथा कथित जो है भाजपा नेता द्वारा श्रीकांत त्यागी के द्वारा, वो सीएम योगी तक ये मामला पहुंच गया है और गृह विभाग को रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। जी बिल्कुल, महिला से हत्या करने के मामले में सीएम ने गृह विभाग से रिपोर्ट तलब कर ली और दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, इसके पहले प्रभारी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सीएम भी इस मामले को लेकर काफी सख्त है। कल से ही गृह विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुआ है। खुद एसीएस होम जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, आपको बता दें, जिस तरीके से कल बुलडोजर चला था उसकी अवैध संपत्ति पर, तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे सख्ती बढ़ती जा रही है और पुलिस भी चारों तरफ प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। तो क्या कहा जाए सिद्धार्थ, क्योंकि श्रीकांत की जो है अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना तो शुरू हो गया है, क्या और भी संपत्ति है जिसे चयनित किया जा रहा है, जिस पर बुलडोजर चल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, गृह विभाग जिस तरीके से नजर बनाए उसके बाद आपको लगातार उनकी जो संपत्ति है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। और जो गृह विभाग का कमांड सेंटर है वहां पर खुद जो अवनीश अवस्थी वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा, जो अभी तक जो जानकारी मिल रही सूत्रों पर, नोएडा के भंगल में त्यागी की 15 दुकानें हैं और जो सूत्र बताते हैं ये अवैध मार्केट है। तो इन सब का ब्यौरा अब तलब कर लिया गया है और अब कहीं ना कहीं इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने गृह विभाग को रिपोर्ट तलब करने को कहा है, कितना समय दिया गया है इस रिपोर्ट के लिए? देखिए, आपको बता दें, आज जो हमारे सूत्र बताते हैं, आज शाम तक ये रिपोर्ट दे देनी है सीएम को। तो कहीं ना कहीं उसके बाद देखना है क्या उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस मामले को लेकर सीएम काफी नाराज हैं। एक चीज बबिता आपको बता दें, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जिस तरीके से पुलिस को कार्य करना चाहिए था उस तरह पुलिस ने किया नहीं, वरना इतनी फजीहत ना होती और उसकी अभी तक गिरफ्तारी हो गई होती। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लापरवाही है पुलिस विभाग की। अब जब ये मामला गृह विभाग तक पहुंचा तब जाकर इतनी सख्ती दिख रही है। और जिस मामले में पुलिस आसानी से गिरफ्तारी कर सकती थी उसको, उस व्यक्ति की पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई, तो इसलिए काफी, आपको बता दें, पुलिस की काफी फजीहत हो रही है इस मामले में। चलिए तो, सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही श्रीकांत त्यागी को गनर देने का मामला सामने आया है। तो बीजेपी सरकार बनने के बाद साल 2018 में त्यागी को गनर दिए गए थे। तो श्रीकांत त्यागी को गाजियाबाद से 3 गनर मिले थे। तो उस समय यूपी के एसीएस होम अरविंद कुमार थे, तो उस समय गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्णा थे। तो बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पर उन्हें गनर देने का मामला सामने आया है। तो बीजेपी सरकार बनने के बाद साल 2018 में श्रीकांत त्यागी को गनर दिए गए थे। तो श्रीकांत त्यागी को गाजियाबाद से 3 गनर मिले थे। तो उस समय यूपी के एसीएस होम अरविंद कुमार थे और साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्णा थे।
तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से कहा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बीजेपी नेता बताया था, और वहीं अब ये भी मामला सामने आ गया है कि 3 गनर उन्हें दिए गए थे। जी बिल्कुल, इस तथाकथित नेता को जो 8-10-2018 को गाजियाबाद से 3 गनर दिए गए, तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। कैसे 3 गनर दे दिए गए, किसकी रिपोर्ट पर गनर दे दिए गए? उस समय यूपी के जो एसीएस होम थे वो अरविंद कुमार थे और गाजियाबाद के चर्चित एसपी वैभव कृष्ण थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। आप समझ सकते हैं कितना रसूख रखता था यह व्यक्ति, 3-3 गनर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। वैसे मुख्यतः एक गनर ही अलॉट किया जाता है किसी, वो भी जो इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो एक समिति बनती है, समिति अपनी रिपोर्ट देती है, तो काफी लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाकर गनर उपलब्ध कराया जाता है। तो इतनी आसानी से वो भी 3-3 गनर दे देना कहीं ना कहीं इसके रसूख को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी में रहता रहा होगा, कितनी दबंगई। देखिए, जब लगातार लोग इसके खिलाफ शिकायत करते रहे, आपको बता दें लोग इसके खिलाफ शिकायत करते रहे लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती थी, लोग फिर शांत होकर बैठ जाते थे। कोई ये ऐसे व्यक्ति जो इतना रसूख रखता है, उससे सामान्य व्यक्ति कैसे जीत सकता है? ये तो कहीं ना कहीं 3 गनर, उसके साथ बाउंसर, इस तरीके से चलते थे, तो कहीं ना कहीं ये एक कटघरे में खड़ा करता है, एक सुरक्षा बिल्कुल कटघरे में खड़ा करता है, और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। तो वही लखनऊ में आज काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम हो रहा है, तो सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आज तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लखनऊ में आज काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एक्शन के लिए उनके पात्र का भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके बाद करगिल में शहीद हुए वीर शहीदों के परिजनों को हम आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पिता श्री गोपीचंद पांडे जी, आने दे उन्हें, श्री गोपीचंद पांडे जी, कैप्टन मनोज पांडे जी के पिता, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी के परिवार से श्रीमती कमला द्विवेदी, और राइफल मैन सुनील जंग जी की माता श्रीमती बीना महल जी। तालियों से अगर आप इनका स्वागत करें और मेरे साथ जयकारा भी लगाएं, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती बीना महल जी, माता हैं राइफलमैन सुनील जंग की, और सभी को हर घर तिरंगा अभियान के लिए, अलख जगाने के लिए तिरंगा भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आसीन माननीय विधायक मलिहाबाद माननीय श्रीमती जय देवी जी, माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय श्री महेंद्र कुमार सिंह जी और महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा को अपना परम धर्म मानकर लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस पावन अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरणा दें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
काकोरी ट्रेन एक्शन के वर्षगांठ पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत छोड़ो आंदोलन के उस समय के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम सम्मान्य श्री शिव नारायण गुप्ता जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमती जय देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, कारगिल शहीद परिवारों से जुड़े हुए उनके सभी परिवार के सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। चाहे वह मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई चिंगारी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह उद्घोष कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए हुए इस बृहद अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का हो। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना हो या 9 अगस्त 1925 को लखनऊ का काकोरी का यह क्षेत्र जिसमें देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये जो ट्रेन में एक खजाने के रूप में जा रहा था उसे रोक करके ले लिया था। और जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो
तो 4679 रुपए के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनके नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। अस्पाउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी, इन्हें भी गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में अलग अलग स्थानों पर रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए प्रयागराज में शहीद हुए, लेकिन क्रांति की यह लौ कभी बुझी नहीं। यह देश लड़ता रहा अपनी देश अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, और उसी का परिणाम था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली देश की स्वाधीनता की इस लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप इस देश को 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि तब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी से हम 25 वर्ष की अपनी व्यापक कार्य योजना को बनाकर के देश के सामने रखें। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय में कैसा भारत चाहिए, भारत की ताकत, भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हम आगामी 5 वर्ष के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवसाय की सुगमता, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में हम लोग अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए,
समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम उस प्रकार की योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे जो उत्तर प्रदेश को तो एक पहचान देगा ही, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी देगा और पहचान और सम्मान के बीच के समन्वय को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर के हम सब आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान आज काकोरी जैसे स्थल को भी एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करते हुए लोकपूज्य बना लिया है। ये लोकपूज्य कोई धरती तब बन पाती है जब अनगिनत बलिदान होते हैं, और काकोरी में भी 1925 में ऐसे ही देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों ने उस समय देश की स्वाधीनता के उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए इस अभियान के साथ वे लोग जुड़े थे। आज ये हमारा सौभाग्य है, हम काकोरी की वर्षगांठ के साथ ही देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हर देशवासी से अपेक्षा की है, इस पूरे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को जागरूकता के रूप में, हर घर तिरंगा के रूप में जहां हमें आगे लेकर के चलना है, वहीं 14 अगस्त की तिथि भारत के विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में भी मना करके किस प्रकार की त्रासदी को उस समय लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इस प्रकार की स्थिति फिर से कभी ना आए, उसे स्मरण करते हुए देखते हुए उस प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित होना, कार्यक्रमों का संकलन करना, एग्जीबिशन के माध्यम से उस समय की त्रासदी के जीवंत चित्रण को वर्तमान पीढ़ी तक प्रस्तुत करना और फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए 15 अगस्त के दिन जब देश स्वाधीन होता है तो स्वाधीनता की उस एहसास को उत्साह और उमंग के साथ मिलकर के मना करके भारत को अमृत काल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प के साथ हमें बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, इस संकल्प हमेशा आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है हमें, इस संकल्प हमें अपने देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़े इस विश्वास के साथ अभी से हम लोग मिलकर के उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। तिरंगा यात्राओं का आयोजन जगह जगह हो रहा है, लोगों में अपार उत्साह है, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए, यही हमारा धर्म भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत माता के इन महान सपूतों को जिन्होंने आजादी की बलवेदी पर अपने आप को समर्पित किया, उन्हें कोटिशा नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ आप सबसे जुड़ने का आह्वान भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो लखनऊ में आज काकोरी ट्रेन एक्शन का कार्यक्रम रखा गया, काकोरी ट्रेन एक्शन की आज वर्षगांठ है जिसके चलते लखनऊ में ये कार्यक्रम रखा गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शिरकत की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।